सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। YouTube चैनल दोस्तों, झारखंड प्रकृति के देनों से घिरा हुआ है। प्रकृति की असीमित छटाओं से घिरा ये राज्य कई सारे पर्यटन स्थलों का पर्याय बन चुका है। ऐसे ही एक पर्यटन स्थल के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिश्रा YouTube चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जमशेदपुर के निकटवर्ती शहर घाटशिला के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं झारखंड के एक बहुत ही मनोरम पर्यटन स्थल के बारे में, यानी कि घाटशिला के बारे में। झारखंड राज्य खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का घर कहा जाता है। ऐसे ही प्रकृति की अनोखी उदाहरण है झारखंड का घाटशिला। घाटशिला झारखंड में जमशेदपुर के पास स्थित एक छोटा शहर है जो अपने यूरेनियम, तांबा और अन्य खनिजों की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पास में भारतीय यूरेनियम निगम का कारखाना अवस्थित है जो पूरे देश के यूरेनियम की जरूरत पूरी करता है। घाटशिला सुंदरता से आशीषित है क्योंकि यह दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है। नदी सुवर्णरेखा दो श्रेणियों को अलग करती है और यह प्रकृति के आश्चर्य को देखने के लिए एक आकर्षक दृश्य है। यदि आप शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल के सुकून के और खुली और फ्रेश हवा के बीच व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको घाटशिला की सैर जरूर करनी चाहिए। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार घाटशिला की जनसंख्या 37,850 है, जिसमें 53% पुरुष और 47% महिलाएं हैं। घाटशिला की औसत साक्षरता 73% है, जो भारत की राष्ट्रीय साक्षरता 59.5% से काफ़ी अधिक है। साक्षर जनसंख्या में पुरुष साक्षरता 79% तथा महिला साक्षरता 65% है। अगर आप इस जगह कई आदिवासी गांव देखते हैं तो आप समझ जाएं कि आप घाटशिला में हैं। यहां पर स्थित फूलडुंगरी हिल घाटशिला से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं। घाटशिला के 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित पौराणिक पत्थर और हिल्स मौजूद हैं जिसे 5 पांडवों ने बनाया था। इसी के नज़दीक मूवहंदार टाउनशिप घूमने योग्य एक बेहतरीन जगह है। इनके अलावा लोग बुरुडी झील, रंगीनी मंदिर, धारागिरी फॉल्स और मोसोबनी कॉपर खान आदि को देख सकते हैं। गालुडी सुवर्णरेखा नदी के किनारे स्थित एक और आकर्षक पर्यटन स्थल है। घाटशिला खड़गपुर टाटा नगर से रेलवे मार्ग पर स्थित एक स्टेशन है। यह हावड़ा से 215 किलोमीटर दूर है और मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में उचित कनेक्टिविटी है। सड़क द्वारा भी यात्री सड़क के माध्यम से आने का विकल्प चुन सकते हैं। कोलकाता घाटशिला से 240 किलोमीटर दूर है। खड़गपुर और जमशेदपुर चल रहे अनगिनत बसें आपको घाटशिला में छोड़ देंगी। जमशेदपुर घाटशिला से 42 किलोमीटर दूर है। घाटशिला में ठहरने के लिए कई सारे शानदार लॉजेज और होटल आसानी से यहां उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, घाटशिला शहर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, प्रकृति के देनों से घिरे घाटशिला शहर की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जहां मैं संजीव रहूंगा मौजूद एक बहुत ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।